63 साल के ज्ञान सिंह गुरदासपुर के रहने वाले, उनकी जो है वो मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग अभी भी बैठे हुए। कितने किसान 750 पहले अंदोलन में मरे है, हूँ भी 13 मतलब फरवरी में अंदोलन हो किया, शांतमई ढंग ना किया मोदी सरकार ने इलेक्शन के एडे वादे कर करके वोटा जित के कल का कोई प्रधानमंत्री बनता ही नहीं, तो साढ़े हत्याचार आ खट्टर सरकार ने साढ़े जो मतलब बार्डर बंद करके साढ़ा शंभू बार्डर है। सबसे ज़्यादा शहादत हमारे बुजुर्गों की ही हुई है, 750 दिल्ली में शहीद हो गए, इस शहादत को शहीदी मानेंगे, उनको पूरे सत्कार से। सरकार तो नंबर ही नहीं बताती कि पिछली बार कितने जो है वो किसानों की मौत हुई या शहादत हुई। ये हमारे यहाँ मांगे बीच है सर, जो अभी हम आंदोलन किया है इसी मांग के ऊपर किया है कि हमारे 750 किसान को शहीद मानो, उनको मुआवजा दो, एक सरकारी नौकरी दो। मीटिंग पे मीटिंग, तरीक पे तरीक, ये जी ऐतवार की मीटिंग है, सारे लास्ट मीटिंग है, इतों बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, जा तो यह बैरीगेट टुटूगा जा फिर इतों लाछा जाएंगे सर, इतों जाऊँगा कोई घर वापस नहीं जाता। 2020 के बाद भी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, हमारा पेच MSP पे फंसा हुआ है सर। अगर मोदी सरकार हमारी मांग मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मांग मानेगी तो बहुत सारे बुजुर्गों की इधर शहादत हो सकती है सर। तो मैं आप लोगों को नहीं लगता कि आपको घर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर हालत खराब हो रही है, एक किसान की शहादत हो गई है। नहीं, घर लौट के क्या करेंगे, यहाँ ही मरेंगे, घर जाके क्या करना है, जहाँ ही कुर्बानी की जरूरत पड़ती है सरदार देने को तैयार होता है, खालसा तैयार है, पर तैयार रहता है हर टाइम। जो पीछे का इतिहास देख लो, पीछे जिस टाइम देखिए मर्जी देख लो, जो भी सरकारें आई है, चाहे मुगल आए या कोई अंग्रेज आए, कोई भी आया, हर टाइम शहादत देने को खालसा तैयार रहता है। किसान आंदोलन में पहली शहादत हुई है, दूसरे किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई 13 फरवरी से, उसमें पहली शहादत की आज एक दुखद खबर सामने आई है, जिसमें 63 साल के ज्ञान सिंह पुत्र गुज्जर सिंह गुरदासपुर के रहने वाले एक किसान की मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले किसान आंदोलन में भी करीब करीब 750 किसानों की शहादत हुई, किसान उनको शहादत मानते हैं, सरकार कहती कि हमारे पास में आंकड़े नहीं है, लेकिन उसके बाद में मोदी जी टीवी पर आकर के माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आज जो पहली शहादत हुई है, क्या इसके बाद में सरकार सोचने पर विचार करेगी किसानों की मांगों को लेकर के, या किसानों को अपनी शहादतें और देनी होगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। और एक दूसरी बड़ी बात, पिछली बार जो पहली शहादत हुई थी वो टिकरी बॉर्डर पर एक हुई थी, और उस वक्त भी मैं वहाँ पर मौजूद था, ये बात कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से जब भी ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे थे तो पहले किसान की शहादत की खबर आई, वो अपने आप में चौंकाने वाली थी, हिलाने वाली थी, और आज भी फिर से दूसरे किसान आंदोलन के अंदर पहली शहादत की खबर वो निकल करके सामने आई। और देखिए बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई देंगे, 63 साल के ज्ञान सिंह गुरदासपुर के रहने वाले, उनकी जो है वो मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये एक किसान की जो है वो निधन की खबर आई है, 63 साल के ज्ञान सिंह की, आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं इधर? बैठे हुए हक ना ही आए हैं जी, शांतमई धरना है साडा। कितने किसान 750 पहले अंदोलन में मरे है, हूँ भी 13 मतलब फरवरी में असी अंदोलन हो किया, शांतमई ढंग ना किया, 300 तो बढ़ साढ़े मतलब फट्टर हो गए है जंग जंग रहे उन्होंने भी बध, मोदी सरकार ने इलेक्शन के एडे वादे कर करके वोटा जित के कल का कोई प्रधानमंत्री बनता ही नहीं, तो साढ़े हत्याचार आ खट्टर सरकार ने साढ़े जो मतलब बार्डर बंद करके साढ़ा शंभू बार्डर है पंजाब की जगह के बैठे हैं है, तो जो किया मरने तक तैयार हैं, अगे भी साढ़े शहीद होए हैं, पर यह हत्या समझ जाना चाहिए, ये सिखों साढ़े धर्म के उत्ते जो शांतमई धर्म के किसानों के उत्ते हत्याचार कर रहा है, बहुत यह मंदभागी रही तो गल है, तेन समझ के साढ़े कानून है, ये खेती के कानून है, कोई लहदे नहीं असं मतलब मंग रहे तो ये पास हो ही पहले अंदोलन के उदों ने पहन के रख ले उमें पे है वो कि। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि जब
यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, हालत जो है वो खराब हो रही है, नौजवानों की हालत खराब हो जा रही है, तो अब बुजुर्ग किसान कम से कम मोर्चे पर ना आए? मोर्चे पर कहाँ नहीं आए, जवान क्या होगा, मोर्चे पर सब आए गई, जो कोई रह ही ना पिछे, पर कोई मतलब खेती एड्डी है नहीं, बिजनेस है नहीं एडा काम वाला, जो महंगाई बढ़ती जाती है, खेती से कोई काम नहीं, खेती के अलावा पर करेगा कि बुजुर्ग की करेगा, कि नौजवान थोड़े मरेगा, सब मरेगा, मंजा इधर चख के आए अभी जाके बच के डालेंगे। ये बुजुर्ग किसानों को तो कम से कम पीछे किया जाना चाहिए, ऐसे में जब शहादत की खबर आ रही है। सर पता क्या है, बुजुर्ग किसान अपने मतलब आंदोलन की शान है, 2020 के आंदोलन में पूरे बुजुर्ग थे और हम MSP 3 काले कानून और अपने कर्जे मुक्ति के लिए दिल्ली गए थे, सबसे ज़्यादा शहादत हमारे बुजुर्गों की ही हुई है, 750 दिल्ली में शहीद हो गए, अभी रात अपना गुरदासपुर के गुजर सिंह ज्ञान सिंह पुत्र गुजर सिंह शहीद हो गए, ये सर हम मतलब इस शहादत को शहीदी मानेंगे, उनको पूरे सत्कार से। सरकार तो नंबर ही नहीं बताती कि पिछली बार कितने जो है वो किसानों की मौत हुई या शहादत हुई, ये हमारे यहाँ मांग के बीच है सर, जो अभी हम आंदोलन किया है इसी मांग के ऊपर किया है कि हमारे 750 किसान को शहीद मानो, उनको मुआवजा दो, एक सरकारी नौकरी दो, तो हुण जिहड़ा मीटिंग पे मीटिंग तरीक पे तरीक, ये जिहड़ी ऐतवार की मीटिंग है सर, लास्ट मीटिंग है, इतों बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, जां तां ये बैरीगेट टुटूगा जां फिर इतों लाछा जाणगे सर, इतों जाऊँगा कोई घर वापस नहीं जाता, जां बैरीगेट टुटू जां साडियां मंगां इत्थी मंगियां जाणगियां, इस बार 1000 तो भी उत्ते शहादत हो सकती है सर इत्थे। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए आपको, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि लाशें ही जाएंगी? क्योंकि सर अभी 2-4 मीटिंग हो चुकी है, 2020 के बाद भी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, हमारा पेच MSP पे फंसा हुआ है सर, MSP एक हमारी मेन मांग है, इसी पे हमारा पेच फंसा हुआ है, सरकार ये मांग हमारी मान नहीं रही, मेरे को भरोसा है कि ऐतवार को भी सर मीटिंग बेशटा रहेगी और बहुत सारे बुजुर्ग इधर शहादत दे सकते हैं, क्योंकि ये आंसू गैस के गोले मारते हैं सर, ये आंसू गैस के गोले से धड़कन और सांस रुक जाती है और हार्ट अटैक से बहुत सारी मौत हो सकती है। ज्ञान सिंह को लेकर भी यही कहा गया है कि उनकी मौत भी हार्ट अटैक से ही हुई। हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल, जब इधर आते हैं ना तो मान लो हार्ट अटैक का कोई मरीज है, उसके अंदर ये धुआं चला गया आंसू गैस के गोले का, वो मतलब जरूर सर मतलब उसको वो मर जाता है, सांस रुक जाती है, धड़कन दिल का दौरा पड़ने से हार्ट अटैक से मौत हो सकते सर, अगर मोदी सरकार हमारी मांग मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मांग मानेगी तो बहुत सारे बुजुर्गों की इधर शहादत हो सकती है सर। ये मैं अभी थोड़ा सा, एक बार मेरे को जगह दे देंगे, आप बैठिए, मैं अभी थोड़ी बात कर रहा हूँ एक आप ही के बीच के किसान ज्ञान सिंह, हाँ जी, गुरदासपुर के 63 साल के, उनकी जो है वो उनका निधन हो गया है और ये एक तरह से दूसरा जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, इसमें कहा जा रहा है किसान मोर्चा की तरफ से कि पहली शहादत है ये, तो ऐसे में नहीं लगता कि आपको जो बुजुर्ग किसान है उनको ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, तो आप लोगों को घर लौटने का क्या है या फिर अभी रुकेंगे क्या? नहीं ये घर नहीं लौटना, जिन्ना चिर निबड़ा ना भाई बुजुर्ग होए भाई बच्चे आए आ, कोई ना वापस मुड़ेगा, जिन्ना चिर ये धरना समाप्ति ने पास लगू ना, हूँ चिर नहीं कहने मुड़ना, नहीं मुड़ेगा, कोई नहीं मुड़ेगा जहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ऐसी जो है परिस्थितियाँ हैं, ऐसे हालात हैं कि नौजवानों को जो है वो ठहरने में और नौजवानों को रुकने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कैसे करेंगे? हाँ इतने रहूगा इतना चलूगा, चलिए साल अगर चल रहा जी, हूँ कोई परवाह नहीं, भाएं 6 महीने चले साल चले, धरना अपना मंग पूरी करके जावांगे, उधर नहीं जाते इतना। हाँ ये जिस तरह से अब किसानों की शहादत की खबर भी आ रही है, तो ये आप चौंकाती तो होगी आपको भी निश्चित तौर पर, है तो महाराज ही जानता करूँगा जो करता, परमात्मा करूँगा सब अच्छा करूँगा जो भी करूँगा। तो ऐसे में नौजवान जो आप बुजुर्ग किसान हैं वो अभी भी ठहरेंगे यहाँ पर? हाँ वो तो ठहरेंगे, नौजवान बुजुर्ग सारे आए, अब माइयाँ आईया ने बहुत सारा, हर बच्चा आया हुआ इतने, कोई घाट नहीं। ऐसे तो फिर जो शहादत है या किसानों की जो ऐसी खबरें हैं, जो दुखद भरी खबरें हैं, और बढ़ जाएंगी? वो तो बहुत ज़्यादा बाहरलिया देशों तो फोन बड़ी सपोर्ट आन डे पी आ, बाहरलिया स्टेटा चो आन डे पी आ, हर सारा भारत ही सारा विरुद्ध हो गया ये, जिदा ये करन डे गोलियां चलाउन डे, अं को गैर सिख थोड़े उच्च मतलब अं को होर मुल्क दे किसी, मुल्क तो एक ही आ, भरा ही अं,
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि आपको घर लौट जाना चाहिए? यहाँ पर हालत खराब हो रही है, एक किसान की आदत हो गई है। नहीं, घर लौट के क्या करेंगे, यहाँ ही मरेंगे, घर जाके क्या करना है, घर जाके क्या करेंगे हम? पुराना इतिहास देख लो, जहाँ ही कुर्बानी की जरूरत पड़ती है सरदार देने को तैयार होता है, खालसा तैयार है, तैयार रहता है हर टाइम। तो ये आपको लग रहा है कि पिछली बार 750 के लगभग जो है किसानों की शहादत हुई, फिर उसके बाद में मोदी जी ने टीवी पर आकर के माफ़ी मांगी, कानून वापस लिए, तो अब कम से कम पहली शहादत यहाँ पर हुई है, तो सरकार को सोचना चाहिए इन पर, जो आपकी जो मांगे हैं उन पर कोई बात होगी आपको लगता है, उम्मीद है? सरकार बाद में सोचेगी ना, बाद में क्षमा याचना करती है, फिर क्या करने का फ़ायदा है, वो टाइम है उसे टाइम से सिमटा जाए, काम तो बढ़िया है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ कोई नहीं है। और इधर जैसे आंसू गैस के गोले चलते हैं तब दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, जब आई मरने के लिए गए फिर दिक्कत किस बात की है, ठीक है ना। तो ये आखिरकार ये चीजें कहाँ से आ रही है, मतलब कि लोगों के अंदर की मरने और जो है वो यहाँ तक बात बोल रहे हैं आप लोग? जो पीछे का इतिहास देख लो, पीछे जिस टाइम देखिए मर्जी देख लो, जो भी सरकारें आई या पाए, मुगल आए या कोई अंग्रेज आए, कोई भी आया, हर टाइम से देने को खालसा तैयार रहता है। तो कुछ समझौते पर बात नहीं बनेगी क्या? समझौते पर बात बनेगी, बातचीत हो रही है। नहीं, MSP को लेकर के अगर कोई सरकार समझौता करती है, बीच का रास्ता कोई देखती है कि MSP जो है वो कुछ कुछ कंडीशन पे मिल जाए बाकी पे नहीं, तो अगर वैसे में आप तैयार होंगे क्या? नहीं, वैसे तैयार हो गए, साढ़े प्रधान जी जाते हैं वो मीटिंग में, वो विचार करके जो सही लगेगा वही काम होगा। और या MSP अगर रह जाए और बाकी जो मांगे हैं कर्ज माफी की है या और दूसरी मांगे हैं वो अगर पूरी हो जाए तब फिर आंदोलन खत्म होगा? सारी मांगे पूरी हो गई फिर जाएगा। अच्छा, हाँ, एक आदि मांग से उठने वाले नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पर जो है वो किसानों का यहाँ पर जो है वो कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक उठेंगे नहीं, और वाकई ये दुखद है, किसी की भी मौत जो है वो उसकी खबर आना वो दुखद है, और उसकी खबर बताना और उस खबर का हिस्सा बनना वो भी दुखद है, लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, और अभी भी उसी तरह से लोग जो है वो डटे हुए हैं। आज किसान मोर्चा आप लोगों का जो लगा हुआ है, इसमें एक किसान के शहादत की खबर भी आई है, पहली एक शहादत एक हुई एक तरह से, तो क्या लग रहा है, बुजुर्ग किसानों को जो है वो वापस लौटना चाहिए या अभी रुके रहेंगे? अब देखा खातर तो भाएँ बुजुर्ग हो भाएँ बच्चा हो, हरेक डटता ही है, डटना भी चाहिए सरकार नू, किसानों ने मंगा मान। जान पर बात आ रही है, जान की परवाह थोड़ी, ज्यादा रोटी ना मिलेगी जी, आज ये रोटी जान की परवाह की है। रोटी आज तक जान की किसी ने परवाह नहीं की, और ना ही अगू करांगे, चाहे दिल्ली तक जाना पे, चाहे दिल्ली तक जो भी संघर्ष करना पे, असं संघर्ष करने तैयार हो, जिस तरह का भी हो, जिदा का भी हो, असं डट के मुकाबला करांगे। लेकिन 63 साल के जो है वो किसान की मौत की खबर आई है, हार्ट अटैक से उनको मौत हुई है, और हाँ मतलब जो डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है मैं तो वो बता रहा हूँ, बाकी क्या है क्या नहीं है वो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर आंसू गैस के गोले छड़ते हैं, नौजवानों की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो बुजुर्गों को आप कम से कम जो है पीछे थोड़ा मोर्चे पर रखेंगे? नहीं, जज्बा ही है ना, गल तो जज्बे दी ना, गल तो जज्बा करेगा, एक किसी कहने के नाल नहीं, ये सारे आप मुहारे आए ने, किसी ने कोई सद्दा दे नहीं गया किसी को, देखो तुम कि संख्या से लखा की तादाद गिनती है, ये सारे जज्बे के तौर पर आए ने वीर जी, कोई बुजुर्ग किसान है, काफ़ी उम्र दराज हैं, का कोई 70 के 80 के करीब, हाँ जी, ऐसे में नहीं लगता कि बुजुर्ग किसानों को जो है वो पीछे के मोर्चे पर रखा जाए? नहीं नहीं, सब तो ऐसा है, साढ़े तो अगर जाने फिरते हैं, और क्या सरकार पर जो है वो किसानों की शहादत का सरकार को माड़ी मोटी शर्म आनी चाहिए है? आप हमेशा बुजुर्गों का सत्कार करते हैं, तो बुजुर्गों वाले माइया वाले बच्चों वाले वेख के माड़ी मोटी शर्म कर ले सरकार, भी किस हस्ता किस हालात नाल हालात का सामना कर रहे हैं, ये सरकार को शर्म चाहिए। सरकार पर कोई प्रेशर बनेगा, कोई दबाव होगा? बनेगा बनेगा सरकार, क्यों ना बनेगा, अज तुम सवेर का ड्रॉन्ग दिसे कितने, ये प्रेशर ही है, कई दिनों तो ड्रोन चल रही है, जब ड्रोन नहीं आया, आंसू गैस नहीं सटे जा रहे, सरकार का कितना ना कितने ये किसानों की जित हो रही है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 47 है, 47 47
हाँ नहीं नहीं 47 नहीं 47 से ज्यादा होगी। आधार कार्ड कटा आधार कार्ड देखना। आपकी कितनी उम्र है? 65 साल है। 65 साल 65 साल और आपकी? मेरी भी 65 साल है। 65 साल है हाँ। एक 63 साल के किसान की जो है वो आज खबर निकल करके सामने आई है गुरदासपुर के ज्ञान सिंह की, वो नहीं रहे और एक तरह से पहली जो है शहादत है किसान आंदोलन के अंदर, दूसरा जो किसान आंदोलन चला है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको जो है वो वापस लौट जाना चाहिए यहाँ पर जिस तरह के हालात है? हिंदुस्तान की फौज किसी मुल्क, थोड़ा तेज बोल सकते हैं तो आप, किसी मुल्क की भी फौज देखी आपने पीछे हटती, कितने जवान शहीद होंगे होने दो, संघर्ष शहीदियों से ही प्राप्त होते हैं। तो आप अपने आप को फौज मान रहे हैं? फौज हैं हम, फौज हैं हम, खालसा फौज हैं। तो आप खेती किसानी करते रहे या पहले सर्विस में भी थे किसी में? सामने ट्रक चलाया पूरे इंडिया में आपने? हाँ, कारगिल की जंग भी लड़ी है फौज में। आप फौज में थे? हाँ। अच्छा, ट्रक भी चलाया बाद में, पहले फौज में भी थे, कारगिल की जंग हमने अपनी लड़ी है। रिटायर कब हुए हैं आप? रिटायर कितने मेरे घर हो गए ना, अपना कारगिल की जंग कब हुई थी? 99 में। वो उसके बाद में रिटायर हो गए, दो साल। अच्छा, तो ये जिस तरह से अब हालात बन रहे हैं और शहादत की खबर निकल करके सामने आ रही, तो आप लोग जो बुजुर्ग किसान हैं तो उनका क्या, वो यहीं पर बने रहेंगे? यहीं पर बने रहेंगे जिन्ना चिर हमारा काम नहीं होगा, जितों काम होगा उदों जाएगी। 6-6 महीने का राशन लिया, बालन भी लिया, अपने को सिलेंडर भी है, इतने ट्रालिया खड़े सब कुछ हैगा वा, जो ये काम मुकेगा उदो जाएंगे, भावें 6 महीने लंघ जाए भावें साल लंघ जाए। लंगर नहीं पुरा कोई, लंगर 6-6 महीने का लंगर लिया वा, तो मगर बोले कि फिर जुड़ जाना वा, कणक तो आ गई। नहीं, सवाल लंगर का नहीं है, सवाल जान का है। तो जावे उदो जो मुकूगा काम। जान की कोई चिंता नहीं है, जान की कोई चिंता नहीं है, देश के लिए, देश के लिए बने, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरे। जाना नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, जब मार भी जावांगे तब भी कोई काम नहीं, वो नुआह गोला छाट दे उधर, मोदी नु ठा मका दे ते काम निबड़ जे, जाइए उधर नु, जाइए उधर, पहचान नहीं जाना। आप भाई कहां से हो? मैं दिल्ली से हूं। दिल्ली से उठे भी लाया ही उधर, पंजाबी समझते हो गए? नहीं, मैं आंदोलन कवर करता रहा हूँ, पहला आंदोलन भी कवर किया, दूसरा भी। भाव के पंजाबी समझते हो? हाँ, समझता हूँ। तो ये आपको लग रहा है कि लोगों में या आम किसानों में अगर शहादत की खबर आती है तो उससे कोई मायूसी नहीं है? खुशी होती है, हमारा जवान शहीद हुआ देश के लिए, हमारे को खुशी मिलती है, रूह को शांति मिलता है, शहीदी से हम क्या डरते नहीं है। नहीं, हम शहीदों के शहीद होने के लिए ही पैदा हुए हैं, देश के लिए। ये हमारे अकेले पंजाब का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। अब मंडी बोर्ड है जो पंजाब में भी, हरियाणा में भी, बाकी किसी स्टेट में नहीं है, है नहीं ना, सबको दिला के जाएंगे, यहाँ सबको मंडी बराबर का हक मिलेगा। देखिए, ये एक सच बात है कि जब शहादत की खबर आती है तो चाहे नौजवान अगर बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब गांव में उसका पार्थिव शरीर पहुंचता है तो पिता रोता नहीं है, माँ भी रोती नहीं है, वो हंस करके अपने बेटे को, ये समझ करके कि हमारा बेटा देश के काम आया है, वो विदा हुआ है, और उसको विदा करते हैं वो, कि देश के ऊपर नौछावर किए उसने अपनी जान, फख्र महसूस करते हैं उस पर, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं इस किसान आंदोलन में इन किसानों के बीच महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इतना जज्बा, इस तरह का जज्बा ये बाकी के और किसानों में भी होगा, और क्या वाकई देश का किसान इसी तरह के जज्बे के साथ में खड़ा हो जाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो फिर सरकार के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी, और सरकार उससे कैसे पार पाएगी, सवाल फिर ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।